नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बंबई उच्च न्यायालय ने हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश से रोक हटाई। बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यहां की हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटा दिया है। न्यायमूर्ति वीएम कानाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने कहा कि हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध भारत के संविधान की धारा 14, 15, 19 और 25 का विरोधाभासी है। दरगाह न्यास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहता है और न्यास की ओर से दायर याचिका के कारण अदालत ने अपने इस आदेश पर 6 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 5 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले की नैरण पंचायत अंतर्गत गवालडी क्षेत्र में गुरुवार देर रात बादल फटने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई तथा एक सदस्य घायल हो गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरांदली गांव की पहाड़ी पर स्थित बसे गांव में बादल फटने से एक मकान पूरी तरह से बह गया, जिससे मकान में रह रहे एक नेपाली परिवार के 5 सदस्य बह गए। यूपी में पुलिस कर्मियों को मिलेगी हर 10 दिन में छुट्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काम के अत्यधिक दबाव से गुजर रहे पुलिस कर्मियों को 10 दिनों की ड्यूटी के बाद एक दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है। अभी तक पुलिस कर्मियों को एक भी दिन साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता था। बलूचिस्तान में बंदूकधारी ने 6 सैनिकों तथा एक अधिकारी की हत्या की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार को बंदूकधारियों ने एक काफिले पर घात लगाकर हमला करके 6 सैनिकों तथा एक प्रांतीय अधिकारी की हत्या कर दी। यह हमला ग्वादर बंदरगाह से 80 किलोमीटर दूर किया गया था। यहां चीन की सहायता से $46 अरब का आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। यूक्रेन के साथ बढ़ा तनाव, रूस ने की युद्ध की तैयारी। यूक्रेन के साथ तनाव बढ़ने के बीच रूस ने अपनी सशस्त्र सेना को जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अपनी सेना को यूक्रेन और संकटग्रस्त क्रीमिया के समीप देश के पश्चिमी छोर पर युद्धाभ्यास के आदेश दिए हैं। रूस ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने रूस पर विवादित क्षेत्र क्रीमिया में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने और वहां अलगाववादी विद्रोहियों को समर्थन करने का आरोप लगाया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।